हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी इन डेप्थ आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बैचलर ऑफ़ फार्मेसी फोर ईयर का जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं बिकॉज जब ट्वेल्थ के बाद हम लोग एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में हमें नहीं पता होता है कि हम ओवर द नेक्स्ट फोर ईयर्स क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे कैसी हमारी ग्रोथ रहेगी फोर ईयर के बाद सो so, हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है बी फार्म का उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सो so, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही पूरे इंडिया में जो फार्मेसी का चाहे बी फार्म हो चाहे डिप्लोमा हो उसका कोर्स रेगुलेट करता है तो so, आइए देखते हैं कि इस फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बी फार्म में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सो so, देखते हैं हम हमारा कोर्स ऑफ स्टडी फॉर सेमेस्टर वन सो यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन अनेटमी एंड फिजियोलॉजी वन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एच ए पी और ये पार्ट वन है इसका मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका पार्ट टू होगा उसके बाद पार्ट थ्री एंड फोर होता रहेगा सो ह्यूमन एनेटमी एंड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ये फार्मेसी की फील्ड है हमें यहाँ पे मेडिसिन से डील करना है सो so, मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके कौन से पार्ट को कौन से रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा और वो कैसे डिजीज को ट्रीट करेगा ये हम जानेंगे एच ए पी सब्जेक्ट में इसमें हम ह्यूमन की बेसिक फिजियोलॉजी जानेंगे ये बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे ट्वेल्थ में आपने बायो पढ़ा होगा अपने डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं बॉडी में जैसे रास एक सिस्टम होता है किडनी में सिमिलरली और भी अदर सिस्टम्स हम लोग इस सब्जेक्ट में जानेंगे और चाहे बी एस सी नर्सिंग हो चाहे एम बी बी एस हो ये वाला सब्जेक्ट सभी लोग पढ़ते हैं फार्मेसी वाले भी पढ़ते हैं बिकॉज हर एक फील्ड में ये एप्लीकेबल है सो so, इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट ह्यूमन अनेटमी एंड फिजियोलॉजी तो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन ये भी पार्ट वन है सो so, सारे सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि सेमेस्टर वन में सारे पार्ट वन हम पढ़ते हैं और जैसे जैसे हम सेमेस्टर टू थ्री फोर की तरफ जाएंगे तो ये पार्ट भी इंक्रीज होते जाएंगे सो सेकेंड सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एनालिटिकल पार्ट जैसे कि हमारा जो हमने फार्मेसी में फॉर्म बना लिए सपोज टैबलेट बना लिया कैप्सूल बना लिया उसका एनालिसिस कैसे करना है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है वो हम जानेंगे इस वाले पार्ट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इसमें हम लोग बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में टाइट्रेशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन जो आपने ट्वेल्थ क्लास में किया होगा एसिड बेस्ट टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन सो ये सारी टाइट्रेशन हम लोग uh, इसमें करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्ट वन में टाइट्रेश का जो भी पार्ट है uh, इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स वन फार्मास्यूटिक्स वन वाले जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग uh, पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स डोसेज फॉर्म्स पढ़ेंगे लाइक हमारा हो गया सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स ऑइंटमेंट क्रीम्स हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हो गया जैसे कि तो ये सारा हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स वन में इसके साथ साथ हम लोग हिस्ट्री भी जानेंगे कि हिस्ट्री uh, क्या थी हमारी डोसेज फॉर्म डेवलपमेंट की uh, साथ ही साथ हम इसमें प्रिस्क्रिप्शन में जो जो पार्ट आते हैं वो पढ़ेंगे डोज कैलकुलेशन जो हमारी होती हैं कुछ फॉर्मुलेज होते हैं इसके बेसिस पर डोज कैलकुलेट होती है कि एक पेशेंट को कितना डोज नेसेसरी है सो so, वो सारा हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स वन में जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा लास्ट कोर सब्जेक्ट वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो में डिवाइड होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें सारे हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जैसे शुगर्स हो गए ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं इनआर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वो सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी एप्लीकेशन हमें फार्मास्यूटिकल फील्ड में पड़ती है फॉर uh, एग्जांपल हमारे जितने एंटी एसिड्स हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम एंटी एसिड में यूज़ करते हैं से सिमिलरली टूथपेस्ट में हमारा सोडियम फ्लोराइड होता है सोडियम फ्लोराइड भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है सो so, ये सारे जो कंपाउंडस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका हमें फार्मास्यूटिकल अपनी इंडस्ट्री में यूज़ आता है कुछ एंटी माइक्रोबल कंपाउंड होते हैं जैसे बोरिक एसिड हो गया ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी पार्ट में तो ये जो चार सब्जेक्ट हो गए हमारे एच ए पी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स वन और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे हो गए थ्योरेटिकल पार्ट ये हमारे हो गए थ्योरेटिकल पार्ट और ये यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम हो गए मीनस इनका एग्जाम होगा वो कंडक्ट करेगी आपकी यूनिवर्सिटी इसके अलावा दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो खाली हमारा कॉलेज कंडक्ट करेगा ये हो गए नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ट्वेल्थ में बायो नहीं थी तो वो रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ेगा किसी के पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी तो वो रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ेगा बट अगर किसी के पास दोनों थी ट्वेल्थ में मैथ्स और बायो वो उसका ऑप्शनल है वो को मैथ्स भी चूज कर सकते हैं बायो भी चूज कर सकते हैं वो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सो so, ये हमारे जो दो रहेंगे ये हमारे नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रहेंगे ये इसका जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आएगा जो आपकी आंसर कॉपीज चेक होंगी वो सारी आपके कॉलेज में चेक होंगे फिर इसके बाद हमने जो चार सब्जेक्ट्स पढ़े थे थ्योरी में उन्हीं चार सब्जेक्ट्स का हमें प्रैक्टिकल भी करना है सो so, आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन का प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स वन का प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सो so, ये चारों जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे जिसका हमने छोरी पढ़ा था उसी का हमें प्रैक्टिकल भी करना होगा अपने सेमेस्टर वन में और हमारे सूटिक्स और जितने भी फार्मेसी की एनालिसिस हो गया सूटिक्स हो गया इन सब के प्रैक्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं आप लोगों को मज़ा आएगा करने में बिकॉज अभी तक आपने ऐसे मार्केट में टेबलेट कैप्सूल्स कभी ना कभी खाई होंगी ऑइंटमेंट क्रीम लगाई होंगी सो तो आप इन प्रैक्टिकल्स में आप उनको बनाएंगे तो आप उनके पीछे की साइंस जानेंगे आप उसको देखेंगे कि कैसे बनता है सो so, वो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा साथ ही साथ जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल और हमारा जो रेमिडियल बायोलॉजी था जो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे इनका भी प्रैक्टिकल रहेगा जो आपका कॉलेज कंडक्ट करेगा तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो हम अपने सेमिस्टर वन में पढ़ने वाले सो so, अभी अगर हम बात करें कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा मार्क्स का सो so, अगर हम देखें कि इसमें सारा इरेज कर देता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा तो उसमें हम देखें तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट था एच ए पी ह्यूमन अनेटमी एंड फिजियोलॉजी उसमें हमारा जो इंटरनल एग्जाम रहेगा इंटरनल असेसमेंट वो रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का और जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क्स का यानी टोटल हो गया हमारा हंड्रेड मार्क्स का सो तो एक सब्जेक्ट का थ्योरी पार्ट हमारा हंड्रेड मार्क्स हो गया जिसमें ट्वेंटी मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में रहेंगे और 75 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के हाथ में रहेंगे सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के जितने भी छोरे पार्ट हैं वो सारे ही हंड्रेड मार्क्स के हैं और सब में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है कि ट्वेंटी हमारा कॉलेज करेगा और सेवनटी हमारा यूनिवर्सिटी करेगा सिमिलरली हमारे जितने प्रैक्टिकल थे इन चारों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे वो प्रैक्टिकल एग्जाम में वो हमारा टोटल 50 मार्क्स का रहेगा जिसमें से 15 मार्क्स हमारे यूनिवर्सिटी में रहेंगे हमारे सॉरी कॉलेज के हाथ में रहेंगे और थर्टी फाइव मार्क्स हमारे यूनिवर्सिटी के हाथ में रहेंगे सो so, हंड्रेड अगर हम एक सब्जेक्ट का देखें सपोज एच ई पी का सो so ये हमारा टोटल वन फिफ्टी मार्क्स का हो गया इसमें से हंड्रेड मार्क्स हमारे हो गए थ्योरी में और फिफ्टी मार्क्स हो गए हमारे प्रैक्टिकल में सो सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे सेमेस्टर वन में बी फार्म के और उन सब्जेक्ट्स का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है हमारे एंड uh, में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आई रियली होप यू लाइक डिट एंड इफ यू डिट लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू